इस बार मैंने जे टोपियारी से हटकर कुछ अलग बनाया है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तैफ़ीति क्रिएशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल पॉट लिया है और ये एक टाइल्स का टुकड़ा बच गया था तो मैंने ले लिया। टाइल्स को मैंने चॉक से मार्क कर लिया है जहाँ तक इस पॉट की लेंथ है। ये मैंने पुरानी सीढ़ी से दो रेक्टेंगल कट कर लिया है। इससे मैं घर की विंडो बना रही हूँ। क्ले की हेल्प से मैं इस विंडो का फ्रेम बना रही हूँ। क्ले से ही मैंने दरवाज़ा भी बना लिया है। झोपड़ी बनाने के लिए ये कार्डबोर्ड का बेस मैंने बनाया है, इसको ऊपर लगा देंगे और फिर इसको क्ले से पूरा कवर कर दिया है। ये देखिए, इस टाइल्स को मैंने फेविक्विक और क्ले की हेल्प से इस पॉट में अच्छे से चिपका दिया है और पूरा एक दिन छोड़ देंगे इसको सूखने के लिए। अब बारी है इसको पेंट करने की। पहले मैंने जेसो अप्लाई किया है, उसके बाद पेंट किया है। पेंट करने के बाद एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद दो कोट वार्निश अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम वेल ड्रेन्ड मिट्टी डालेंगे। मैं यहाँ पर बोगनवेलिया का बोनसाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद का कोई भी पौधा लगा सकते हैं। अब बारी है इसके लिए मिनिएचर्स बनाने की। तो मैं यहाँ पर क्ले से एक लड़की बना रही हूँ जो कि पौधे में पानी डाल रही है। साथ में मैंने एक मिनी बर्ड हाउस बनाया है और एक मिनी बर्ड बाथ भी। कुछ महीने बाद ये देखिए, इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है और फूल भी निकल आए हैं। ये सब मैंने क्ले से ही बनाया है नीचे का फ्लोर बनाने के लिए। अब इसमें सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करेंगे। तो कैसा लगा आप सभी को ये घर और इस घर का गार्डन? अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और अच्छे अच्छे यूनिक वीडियोस देखने के लिए तैफ़ीति क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।